मध्य प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रदेश और देश के अन्नदाताओं, एक बार फिर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झूठ की दुकान आपके सामने खोल दी। उन्होंने कहना चालू कर दिया है कि हमने किसानों के बीमे की प्रीमियम राशि जाने कितने करोड़ बता रहे हैं, वो 2250 करोड़ रुपए हमने भर दिए और कांग्रेस सरकार थी कमलनाथ जी की, तब उन्होंने नहीं भरा। इससे बड़ा झूठ शिवराज का शायद नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने 2019 का प्रीमियम 509 करोड़ रुपए भरा। शिवराज की सरकार जब इसके पहले थी तब, उसके बाद का पैसा इन्होंने अब भरा है, जो इनकी गलती हमारे ऊपर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ की दुकान किसान भाई और बहनों चालू हो गई है। दूसरा झूठ इन्होंने कहा कि आज की तारीख तक हमने पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक गेहूं खरीदा है। कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा झूठ। मैं देवास, बहुत बड़ी मंडी है गेहूं की, मैं आज का वहां का उदाहरण देना चाहता हूं। अधिकृत रिकॉर्ड है, लगभग 18,500 क्विंटल गेहूं मात्र देवास मंडी में खरीद, आज की तारीख तक पिछले वर्ष 4.5 लाख क्विंटल गेहूं हमारी सरकार के समय खरीदा गया था। पता नहीं क्यों झूठ बोलने का आदि हो गया है हमारे ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भाइयों, मैं आपसे अनुरोध कर दूं, आपकी जानकारी के लिए एक बात जरूर लाना चाहता हूं कि जो SMS कर रहे हैं गेहूं खरीदी की, ये छोटे छोटे किसानों को शिवराज की सरकार कर रही है, क्योंकि कंगली सरकार है, खरीदने का पैसा तो है नहीं, और छोटे छोटे किसानों से भी मात्र 8-8, 9-9 क्विंटल गेहूं ही खरीदा जा रहा है। बड़े बड़े जो किसान है 200-200, 300-300 क्विंटल के, जिनके पास पैदावार होती है, उन किसानों को SMS तक नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि ये शिवराज की सरकार व्यापारियों से चंदा लेती है, ये गेहूं कम खरीदेगी इसकी सरकार, तो बचा हुआ गेहूं बड़े बड़े किसानों का व्यापारियों के हाथ मजबूरी में बहुत सस्ते दामों पे उन किसानों को बेचना पड़ेगा। ये एक बार फिर शिवराज और बीजेपी की सरकार की कोशिश है। इनकी सरकार के समय भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, ये फिर उसी दिशा में किसान भाइयों को ले जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि ये झूठ की दुकान वाला शिवराज चौहान अब इन्होंने छोटी दुकान से बड़ी कर ली, जनरल स्टोर बना लिया झूठ का। इन्होंने कहा था कि हम सफेद गेहूं भी होगा आपका किसान भाइयों, तो मैं एक एक दाना खरीदूंगा। आज जब बेचने जा रहा है किसान, तो उसे उल्टे पांव लौट के आना पड़ रहा है। किसान समझ रहा है कि पनौती भरा पेड़ इस प्रदेश में किसका पड़ा है। जब जब पनौती भरा पेड़ पड़ा है, किसान खून का आंसू रोया है। आने वाले समय में किसान इस झूठ का बदला जरूर लेगा।